दोस्तों, अगर आप लोगों को सैमसंग के टीवी में नो पिक्चर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, टीवी में ओनली साउंड आता है, जी हाँ साउंड आता है, बट पिक्चर कोई भी दिखता नहीं है दोस्तों, कुछ भी हमें दिखता नहीं है, बस साउंड आता है। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों इस टीवी में भी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें छोटा सा मतलब हल्का सा यहाँ पर ब्लू कलर में हम लोगों को लाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस पे देखिए दोस्तों, हम लोग इस तरीके से थोड़ा टच कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा लाइट हम लोगों को जहां हम टच कर रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा थोड़ा लाइट, ब्लू लाइट दोस्तों देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये दोस्तों मेरा सैमसंग का टीवी है, जो कि 20,000 के आसपास का दोस्तों, 32 इंच वाला दोस्तों ये टीवी है मेरा। ओके, तो इसको दोस्तों मैंने टेक्नीशियन को दिखाया था, मतलब सैमसंग के ही सर्विस सेंटर से दोस्तों टेक्नीशियन आया था। तो भाई टेक्नीशियन ने दोस्तों मुझे जो जानकारी दी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, YouTube पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग अनप्लग कर दो उसको, 5-10 मिनट अनप्लग करके छोड़ दो, ठीक है। मतलब आप लोगों को पिन को निकालना है दोस्तों बोर्ड में से, ठीक है, निकाल करके 5-10 मिनट वेट करना है, फिर आपको उसको लगाना है, फिर आपका ये नो पिक्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, या फिर कीजिए एक्चुअली प्रॉब्लम कौन सा होगा दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई टेक्नीशियन ने मुझे यहाँ पर जानकारी दी है इसके बारे में, तो खुद टेक्नीशियन ने चेक किया था दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे बताया गया उनकी तरफ से कि यहाँ पर दोस्तों जो पैनल होता है, ठीक है, नीचे से उन्होंने खोला था इसको पीछे से दोस्तों, और नीचे दोस्तों एक पैनल होता है यहाँ पर, तो वो दोस्तों यहाँ पर खराब हो गया है, उसमें शॉर्ट सर्किट है, ऐसा मुझे बताया गया दोस्तों। और उसके वजह से हमें फिर पूरी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, नीचे का पैनल भी चेंज करना पड़ेगा और स्क्रीन भी चेंज करनी पड़ेगी। वो बोल रहे थे कि भाई जो नीचे का पैनल है ओनली वो चेंज नहीं होता है, तो इसलिए पूरी स्क्रीन यहाँ पर दोस्तों चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया दोस्तों। तो अगर आप लोगों का दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि टीवी को अनप्लग वगैरह आप लोग कर रहे हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसका मतलब ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है दोस्तों, या फिर कीजिए ऐसा ही, मतलब जैसे मेरा दोस्तों प्रॉब्लम है यहाँ पर इस टीवी का, तो यही प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। अब देखो दोस्तों, हो सकता है कि यूट्यूब पे जो लोग बता रहे हैं बस कुछ भी बता रहे हैं दोस्तों, फेक जानकारी बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई अगर आप लोगों का यहाँ पर ओनली साउंड आ रहा है आपके टीवी में और पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका मतलब कहीं कोई ना कोई पार्ट दोस्तों खराब हो गया है, और इसका बैकलाइट भी खराब हो सकता है दोस्तों, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका कोई ना कोई पार्ट खराब हो गया दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, उसकी कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे भाई कोई ट्रिक होगी उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, तो ऐसा नहीं दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, या तो आप लोग कोई लोकल टेक्नीशियन को बोल सकते हैं, या फिर अच्छी सर्विस चाहिए आप लोगों को तो सैमसंग के दोस्तों कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वहां से वो आप लोगों को टेक्नीशियन दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कंप्लेंट डाल देंगे। वारंटी में है तो वारंटी में हो जाएगा, वारंटी में नहीं है तो चार्ज देना पड़ेगा आप लोगों को। विजिट का चार्ज होता है दोस्तों टेक्नीशियन के 400 रुपये के आसपास, जी हाँ, तो वो आपको देना पड़ेगा, चेक करेंगे वो और आपको बताएंगे कि भाई कौन सा पार्ट खराब है, कैसे वो सॉल्व होगा। अगर आपको उसको रिपेयर करना है तो आप लोग बोल देंगे उनको और आपको बता देंगे कितना खर्चा आएगा, और आप लोग दोस्तों फिर उसको रिपेयर कर पाएंगे टीवी को, ये प्रोसेस होती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मुझे जो है ना खर्चा बताया गया है वो नीचे वाले पैनल का और स्क्रीन का, दोनों मतलब दोस्तों अलग अलग से चेंज नहीं होता, एक साथ उनको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस वाले पैनल को, बैक वाले पैनल को और स्क्रीन को एक साथ चेंज करना पड़ता है, तो उसका उसका जो खर्चा है मुझे 9,000 के आसपास दोस्तों बताया गया है। 1-2 हजार आपके एरिया में दोस्तों कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से, तो 9,000 का खर्चा मतलब अच्छा खासा खर्चा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से 800 रुपये के आसपास सॉल्व हो जाएगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो दोस्तों, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।